आज की ये स्टोरी उस समय की है जब केरल में त्रावणकोर नाम के राजा का शासन हुआ करता था। उस राज्य में देखने मात्र से ही कास्ट का निर्णय लिया जाता था, जिसमें लोअर कास्ट की औरतों को ब्रेस्ट कवर करने की परमिशन नहीं थी, जिसका उल्लंघन करने पर उन्हें मुलाकरम यानी कि ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। तो आज की स्टोरी मुलाकरम पे बेस्ड है। स्टोरी की स्टार्टिंग 19th सेंचुरी चेटथला इंडिया से होती है। स्टार्टिंग सीन में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनके नाम है नागेली और नीला, जो कि हाफ कपड़े पहने होते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो उनको किसी बात के लिए सजा दे गई है। नागेली नीला को कहती है वो थक चुकी है इन सब से। उसे ऐसा लगता है कि रोज आंखों के द्वारा हमारा बलात्कार हो रहा है, क्यों कोई आवाज नहीं उठाता। तभी नीला कहती है ये हमारे लोअर कास्ट होने की कीमत है जो हम चुका रहे हैं। फिर नागेली कहती है ये गलत है, जब अदर कास्ट की औरतें पूरे कपड़े पहनने अपने तन को ढक रखते हैं तो हम क्यों नहीं। हम औरतों को अपने ब्रेस्ट साइज के अनुसार टैक्स क्यों देना पड़ता है। ये धर्म जात पात हम इंसानों के द्वारा बनाई गई खोखली नियम है। उसी रात नागेली अपने हस्बैंड चीरू से कहती है बिना कर दिए मैं पूरे कपड़े पहनूंगी। इस पर चीरू उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर ऐसा करोगी तो हमें डबल टैक्स देना होगा। जिस पर नागेली कहती है मैं इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हूँ, क्योंकि जात और धर्म के नाम पर हमारा फायदा उठाते हैं, हमारा शोषण करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। फिर चीरू उसके साथ रहने का प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट डे नीला और नागेली लकड़ी लेकर लौट रही होती है। रास्ते में उन्हें एक आदमी रोकता है, क्योंकि आज नागेली ने अपने पूरे बदन को कपड़े से ढक रखा है। जिस पर नागेली एक शार्प वेपन निकालकर उनको डराकर वह से निकल जाती है। और उसी रात नागेली चीरू को जब ये सब कहती है तो चीरू को उस आदमी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे झगड़ा करने जाता है। तब वो देखता है कि वो शख्स लोगों के साथ उसके घर आ रहा है और वो आके नागेली को उनसे माफी मांगने को कहता है, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है। जिस पर नागेली कहती है ये मेरा अधिकार है। तब मुखिया कहता है कि इसके लिए तुमको कर देना होगा, वो भी दुगना। फिर चीरू और नागेली मान जाते हैं और कहते हैं हाँ हम देंगे कर। तब मुखिया उन्हें एक महीने का समय देकर वहाँ से चला जाता है। फिर स्टोरी के सीन्स एक महीने बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर नागेली और चीरू दोनों चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने मुखिया से वादा किया था कि वो एक महीने बाद कर चुकाएंगे, वो भी दुगना। तभी मुखिया लोगों को लेकर उनके घर आता है और मुलाकरम मांगता है। और मुखिया कहता है कि तुम्हारे ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से मुलाकरम तय किया जाएगा। तो नागेली के ब्रेस्ट को टच करता है, जिस पर नागेली को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद नागेली मुलाकरम लाने का बोल के दरवाजा बंद करती है। और कुछ देर बाद जब वो दरवाजा खोल के आती है तो हाथ में उसकी ब्रेस्ट होती है जो वो कट करके ले आई और वो उन लोगों को देती है। और वो कहती है कि जब ये ही नहीं रहेगा तो कर किस बात का। और ये देखकर डर के मारे मुखिया और बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, जो कि नीला अपने हस्बैंड के साथ ये सब देख रही थी वो वहाँ पर भाग कर आती है। तभी चीरू भी वहाँ पे आ जाता है, नागेली जो कि अब मर चुकी थी। चीरू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो जब नागेली के अंतिम संस्कार कर रहा था तो वो उसे बहुत ही ज्यादा याद करता है और दुखी हो जाता है, और वो उसी समय उसके साथ उसकी जलती हुई चिता पर सती हो जाता है। नागेली के इस त्याग और चीरू के इस सती से आंदोलन ला दिया, जिस पर मजबूरन मुलाकरम यानी ब्रेस टैक्स को राजा को उठाना पड़ा। नागेली का नाम केरल के बाहर शायद ही किसी ने सुना हो, किसी स्कूल के हिस्ट्री बुक में उनका कोई जिक्र या तस्वीर भी नहीं मिलेगी, लेकिन उनके साहस के मिसाल ऐसे है कि एक बार जानने के बाद इसे कभी नहीं भूला जा सकता।